हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। आई एम शेफ कृष्णा और मैं लेकर आती हूँ आपके लिए यमी डिलीशियस रेसिपीज, बहुत सारी इनोवेटिव रेसिपीज, बहुत सारी क्वांटी रेसिपीज और बहुत सारी ट्रेडिशनल रेसिपीज। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी रेसिपी कैसे लगती है जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल मैजिक किचन ऑफ कृष्णा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आपको कैसे लगती है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और बने रहिएगा हमेशा हमारे साथ। आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही यमी डिलीशियस रेसिपीज। तो फ्रेंड्स, बने रहें वीडियो में हमारे साथ और बनाते रहें बहुत सारी अमेजिंग रेसिपी। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए आपके लिए चेरी सॉस। ये बहुत अमेजिंग, इतना स्वीट और इतने इजीली बन जाता है, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से ये बन जाता है आपका चेरी सॉस। और इसको केक डेकोरेटिव केक में लेयर में इसको लगाया जाता है। चेरी केक आप बना रहे हैं तो उसमें यूज किया जाता है, और इसके अलावा पाई बनाने में भी, पाई की फिलिंग बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो मैजिक किचन हमेशा लाते हैं मैजिकल और यूजफुल रेसिपी। सो सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारा चैनल, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और बनाते रहिएगा शेफ कृष्णा के साथ मैजिकल रेसिपीज। फ्रेंड्स, स्वाद का जादू जगाना है तो बने रहें मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ और बनाते रहें अमेजिंग अमेजिंग रेसिपीज। फ्रेंड्स, ये हमने फ्रेश चेरी लिया है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसके अंदर जो बीज है उसको हम निकाल देंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से कट करेंगे तो बीच में से ये बीज निकल जाएगा। पूरा कट करने की जरूरत नहीं है, कई लोग इसके टुकड़े भी यूज करते हैं, पर हम साबुत रखेंगे, सिर्फ बीज निकाल लेंगे। तो ये सारे चेरी हम अच्छे से इसके बीज निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने तकरीबन हाफ कप यानी 15 से 20 चेरी लिए हैं, तो इसको हम केक में यूज करेंगे। चेरी चॉकलेट केक बनाने में हम इसको यूज करेंगे और पाई बनाने में भी यूज करेंगे। सो इसको मल्टी यूज आते हैं इसके। देखिए, बीज सारे निकल गए, चेरी हमारी रेडी है। चलिए बना लेते हैं चेरी सॉस। तो हमने एक पैन ले लिया है, नॉन स्टिक पैन लें जिससे ये अच्छे से बन जाए, चिपके नहीं। अब हम इसमें ले लेंगे शुगर, चेरी के अकॉर्डिंग आप शुगर लें। हम यहाँ पे 2 टेबल स्पून शुगर लिया हमने और ऐड कर देंगे ये चेरी। अब इसको हम पकाएंगे जब तक कि शुगर गलने नहीं लग जाए, तब तक चेरी को शुगर के साथ पकाएंगे अच्छे से। बहुत इजी रेसिपी है फ्रेंड्स, और इतना टेस्टी होता है, आपके केक को आपके पाई को बहुत टेस्टी बना देता है। तो देखिए, यदि आप चीज केक बना रहे हैं, चेरी चीज केक में आप इसको यूज कर सकते हैं, इस सॉस को यूज कर सकते हैं, बहुत अमेजिंग लगता है टेस्ट में। आप कैरेमल बनाए तो कैरेमल में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इसको लगातार चलाएंगे तब तक जब तक कि ये शुगर अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, लगातार चलाते हुए हम इसको शुगर मेल्ट होने तक पकाएंगे। जैसे ही शुगर मेल्ट हो जाएगा वैसे हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च को हमने पानी में घोल लिया है, सो पानी में अच्छे से घोल के ही इसको यूज करें। कॉर्न स्टार्च हमने 1 टेबल स्पून लिया है और उसको हमने हाफ कप पानी में घोल लिया है। तो ये देखिए, हमारा चेरी जो है शुगर के साथ कैरमलाइज हो गया है। देखिए, शुगर मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये हाफ कप कॉर्न स्टार्च, जो कि हमने हाफ कप पानी में इसको अच्छे से मेल्ट किया है। तो अब थोड़ा सा पानी और हम ऐड करेंगे और इसका सिरप बना लेंगे। देखिए, थोड़ा सा पानी और हमें ऐड करना है इसमें, मिक्स कर रहे हैं हम ताकि लम्स नहीं आए। तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया हमने और शुगर अब अच्छे से मेल्ट हो गया है। बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं होता ये सॉस, थोड़ा सा थिक बनाया जाता है, इसलिए कॉर्न स्टार्च हम ऐड करते हैं इसमें ताकि ये अच्छे से जो है थिक बने। थोड़ा सा दबाकर हम इसको लगातार चलाएंगे तो क्या होगा कि जो इसका कलर है ओरिजिनल रेड कलर, वो भी इसमें आ जाएगा। तो हमारा सॉस जो है वो बहुत ही यम्मी टेस्टी बनकर रेडी हो जाएगा।
तो देखिए थोड़ा थोड़ा हम इसको दबा रहे हैं ताकि ये इसमें से जो जूस है वो निकले और हमारा परफेक्ट सॉस बनकर रेडी हो। तो देखिए लगातार हम चला रहे हैं इसको ताकि शुगर कहीं से भी जले नहीं। एक शुगर का जो गोल्डन कलर है वो भी आएगा और साथ में जो चेरी है उसका रेडनेस भी इसमें आएगा। तो ये सॉस बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है और केक के टेस्ट को और बढ़ा देता है। सो चेरी केक यदि आप बना रहे हैं तो जरूर ये सॉस बनाएं और उसको यूज करें। आप चाहें तो पाई की फिलिंग में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। चेरी पाई आपका बहुत टेस्टी बनता है। सो देखिए हमारा सॉस बनकर रेडी है, चेरी सॉस। इसको ठंडा होने देंगे, डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए कितना यमी है, ये डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट जरूर करें, नहीं तो क्या होगा कि ये पकता रहेगा क्योंकि कुकिंग प्रोसेस रुकता नहीं है। जब आप पैन गर्म होता है तो उसी पैन में रख देते हैं तो कुकिंग प्रोसेस रुकता नहीं है, ओवर कुक हो जाता है। तो जरूर इसको डिश आउट करें ठंडे बर्तन में। देखिए आप इसको फ्रिज करके रख सकते हैं, ये 2 से 4 महीने तक कुछ नहीं होगा। इसको आप जब चाहें तब यूज कर सकते हैं। फ्रिज में से निकाल के आप नॉर्मल टेम्परेचर पे लाएं और आप यूज करें। और आप चाहें तो इसमें बनाने में मुश्किल से 7 से 8 मिनट लगता है तो आप इमीडिएट भी बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा चेरी सॉस बनकर रेडी है। ये देखिए सॉस के अंदर चेरी का रेडनेस आ गया है, कितना यमी है ये। ये देखिए सो केक की लेयरिंग में आप इसको लगाइए, केक का जो टेस्ट है वो दोगुना हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा चेरी सॉस रेडी है, जल्दी से बना लीजिए चेरी सॉस और हमें बताइएगा कैसा बना। सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारा चैनल, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आपने यदि बनाया है तो पिक जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। हम लाते हैं आपके लिए यम्मी डिलीशियस रेसिपीज। बने रहें मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ और बनाते रहें बहुत सारी ढेरों अमेजिंग अमेजिंग रेसिपी। यूजफुल रेसिपी के लिए जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए मैजिक। सो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी जरूर बताइएगा और बने रहिएगा हमेशा हमारे साथ में। मैजिक किचन हमेशा लाते हैं आपके लिए अमेजिंग रेसिपीज। सो वीडियो वॉच करने के लिए और लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए हम आपके आभारी हैं। बने रहिएगा, यूं ही अपना प्यार देते रहिएगा मैजिक किचन ऑफ कृष्णा को और जगाते रहिएगा स्वाद का जादू हमारे साथ। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, आई लव यू।